नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार दिवस के अवसर पर इन पर्यटन स्थलों में करें मुफ्त भ्रमण। बिहार की इस बेटी का भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ सिलेक्शन। प्रदेश के इन जिलों में बारिश के आसार। मनोज वाजपेयी के दायर मानहानि मामले पर केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। ओडीआई सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 558 पद के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिस्ट बी के कुल मिलाकर 558 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हर पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। इसकी जानकारी पाने के लिए उम्मीदवार को नोटिफिकेशन देखना होगा। बता दें कि इस फॉर्म को भरने के लिए अंतिम तारीख 4 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के आधिकारिक वेबसाइट recruitment.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार दिवस के अवसर पर इन पर्यटन स्थलों में करें मुफ्त भ्रमण। बिहार दिवस के मौके पर इस बार सरकार के अलग अलग विभागों की ओर से कई अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूली बच्चों के लिए बिहार दिवस के मौके पर पूरे राज्य के म्यूजियम में भ्रमण करना बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके अलावा भी कई स्थान ऐसे हैं जहां बच्चे बिहार दिवस के दौरान मुफ्त में भ्रमण कर सकते हैं, जिनमें राजगीर का नेचर सफारी से लेकर पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर भी शामिल है। बता दें कि इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में स्थित चिड़ियाघर में भी बच्चों का भ्रमण बिल्कुल मुफ्त होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार का बिहार दिवस बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है। बता दें कि सबके अलावा राज्य के कई स्थानों पर लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिनमें मंगल तालाब, राजगीर, बोधगया और वैशाली शामिल है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शेखर सुमन के बारे में। शेखर सुमन एक भारतीय अभिनेता, एंकर, निर्माता, निर्देशक और गायक है। शेखर सुमन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत शशि कपूर के द्वारा निर्मित और गिरीश कर्नाड द्वारा निर्देशित फिल्म उत्सव में रेखा के साथ की। वह फरवरी 2006 तक स्टार वन पर फिल्म दीवाने, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो की मेजबानी की और सहारा टीवी पर डायल वन और जीतो के कुछ एपिसोड में दिखाई दिए। उन्होंने जी टीवी पर नीलमगढ़, स्टार वन पर हे मैन और स्टार न्यूज पर पोल खोल सहित क्यूज शो की मेजबानी भी की। 2015 में उन्होंने आज तक पर अब की बारी शेखर बिहारी को होस्ट करना शुरू किया। वह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के जजों में से एक थे। बता दें कि इन्होंने कई शो को भी होस्ट किया है। उन्होंने अपने गायन की शुरुआत कुछ ख्वाब ऐसे नाम के एक संगीत एल्बम के साथ की, जो 8 प्रेम गाथाओं का एक संग्रह है, जिसका संगीत आदेश श्रीवास्तव द्वारा रचित था और गीत श्याम रजक द्वारा लिखे गए थे। बिहार की इस बेटी का भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ सिलेक्शन। हमारी बेटियां किसी से कम है क्या, इस लाइन को एक बार फिर से बिहार की बेटी ने सही साबित कर दिया है। बता दें कि बिहार के सिवान की मैड़वा प्रखंड की बेटी खुशी कुमारी का चयन महिला फुटबॉल टीम के लिए हो गया है। बता दें कि चयन होने के बाद अब खुशी 18 से 29 मार्च तक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित फैब महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलती हुई नजर आएंगी। मालूम हो कि खुशी का चयन भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम के लिए किया गया है। बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव सैयद इम्तियाज हुसैन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार खुशी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित फैब महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत की तरफ से गोलकीपर के रूप में खेलेंगी। वहीं खुशी कुमारी की इस उपलब्धता पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम को लेकर मंत्री ने दिया ये आश्वासन। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय के द्वारा बिहार विधान परिषद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि बिहार की राजधानी पटना में प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर बहुत जल्दी एक संस्था का नाम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार के मूल निवासी भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर किसी भी अकादमी या संस्थान का नाम रखने की योजना बना रही है, जिन्होंने कला के क्षेत्र में महान योगदान दिया था। मालूम हो कि जितेंद्र कुमार राय के इस ऐलान पर नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी समेत पूरे सदन के द्वारा हामी भरा गया। वहीं इस पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा भी सहमति जताई गई है। मनीष कश्यप पर कार्रवाई को लेकर तमिलनाडु पुलिस पहुंची पटना। बीते दिन तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की कथित पिटाई का वीडियो गलत तरीके से सोशल मीडिया में वायरल करने के आरोप में मनीष कश्यप के द्वारा जगदीशपुर थाने में सरेंडर किया गया था।
वहीं अब उनकी मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि अब मनीष कश्यप पर कार्रवाई करने को लेकर तमिलनाडु पुलिस की भी 3 सदस्यीय टीम बीते दिन बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुकी है। मालूम हो कि ऐसा कहा जा रहा है कि तमिलनाडु पुलिस के द्वारा भी मनीष कश्यप से पूछताछ की जाएगी और ईओयू के समानांतर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जब तमिलनाडु पुलिस से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। प्रदेश के इन जिलों में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। बदलते हालात के बीच में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लोग जिस तरह से तेज गर्मी से परेशान हो रहे थे, अब उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक संख्यात्मक मॉडल के मुताबिक और अन्य मौसम विश्लेषण के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ वायुमंडल के मध्य स्तर पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी में यह बताया गया है कि प्रदेश के एक या दो स्थानों पर हल्की और तेज हवा के साथ गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही पूर्णिया, अररिया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर और कटिहार में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली चमकने और तेज हवा के ओलावृष्टि की भी संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है। मनोज वाजपेयी के दायर मानहानि मामले पर केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। इंदौर की जिला अदालत के द्वारा फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। बता दें कि केआरके के खिलाफ इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है क्योंकि केआरके के द्वारा सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी को चरसी और गंजेरी कहा गया था, जिसके बाद मनोज वाजपेयी के द्वारा केआरके के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया गया था। बता दें कि अदालत के द्वारा केआरके को अदालत में हाजिरी देने के लिए 10 मई की तारीख निर्धारित की गई है। मालूम हो कि मनोज वाजपेयी की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया था कि केआरके को इंदौर की जिला अदालत में लंबित मानहानि मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन वह प्रकरण की सुनवाई में कथित तौर पर देरी कराने के लिए न्यायालय के सामने जानबूझकर हाजिर नहीं हो रहे हैं। पुलवामा में बिहार के 4 मजदूरों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर सीएम नीतीश ने जताया शोक। बीते दिन यानी कि शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सड़क दुर्घटना से 4 यात्रियों की मौत हो गई थी, तो वहीं 28 यात्री घायल हो गए, जिनका फिलहाल अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बता दें कि यह सड़क दुर्घटना बस के पलट जाने से घटित हुई थी। वहीं सड़क दुर्घटना में मरने वाले यात्रियों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शोक संवेदना व्यक्त करते हुए स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली को जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन से समन्वय स्थापित कर संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इस घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बस चालक के द्वारा वाहन पर से नियंत्रण खो देने के कारण यह घटना घटित हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। लॉ छात्रों ने किया राज्यपाल का विरोध। बीते दिन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेडकर पूर्णिया दौरे पर पहुंचे। बता दें कि इस दौरान एक तरफ जहां राजेंद्र विश्वनाथ अलेडकर के द्वारा पूर्णिया विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सीएम के लॉ कॉलेज अररिया के छात्रों के द्वारा पूर्णिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हाथों में अपनी समस्याओं से जुड़ी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इस दौरान छात्रों के द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। दरअसल प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उत्तीर्ण होने के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी छात्रों को राज्य विधिज्ञ परिषद पटना से एनरोलमेंट प्राप्त नहीं हो सका है, जिस वजह से करीब 500 विद्यार्थियों का भविष्य अटक गया है। मालूम हो कि छात्रों की मांग है कि उन्हें राज्यपाल से मिलने दिया जाए ताकि वे अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा सके। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी तारा मंडल के बारे में। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए पटना शहर में स्थित इंदिरा गांधी तारा मंडल बेहद ही आकर्षण का केंद्र है। इसे एशिया के सबसे बड़े तारा मंडल में से एक गिना जाता है, जो काफी ज्यादा लोकप्रिय है। तारा मंडल का अर्थ होता है तारों के चक्र। यहां पर खगोल से संबंधित चीजें दिखाई जाती है। यह देश के बड़े और अच्छी तरीके से बने तारा मंडल में से एक है। यहां पर खगोल विज्ञान से संबंधित विषयों पर फिल्म की एक विस्तृत श्रृंखला दिखाई जाती है। इसके साथ यहाँ पर विभिन्न संबंधित विषयों पर प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है। इसका नाम वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। जेपी सेतु के समानांतर बनने वाली 6 लेन पुल इतने दिनों में बनकर होगा तैयार।
सरकार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना से सटे गंगा नदी पर बने जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन शेरपुर दिगवाड़ा पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। बता दें कि 6 लेन पुल के निर्माण हो जाने से कई जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा, जिनमें पटना, वैशाली, सारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल के निर्माण होने से वैसे लोग जो बोधगया, वैशाली, लोरिया, केसरिया और बेतिया से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जाना चाहते हैं तो उनकी यात्रा काफी आसान हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेपी सेतु के समानांतर बनने वाले इस पुल की लंबाई 5.5 किलोमीटर होगी। मालूम हो कि इस पुल के तैयार होने की संभावना वर्ष 2025 तक निर्धारित की गई है। देश की राजधानी में उठी पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण की मांग। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण की मांग अब बिहार से बाहर निकलकर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। बता दें कि 19 मार्च यानी कि आज दिल्ली में स्थित जंतर मंतर पर एयरपोर्ट निर्माण को लेकर होने वाली एक दिवसीय धरना और सांसद मार्च को लेकर बीते दिन सीमांचल एक्सप्रेस से सैकड़ों लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि दिल्ली के लिए निकलने से पहले पूर्णिया जंक्शन पर मौजूद युवाओं को पूर्णिया एयरपोर्ट संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा जोरदार विदाई दी गई और सफलता हासिल कर पूर्णिया लौटने के लिए शुभकामनाएं दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जंतर मंतर पर होने वाले एक दिवसीय धरने और सांसद मार्च में 250 लोग शामिल होंगे। सरकार के खिलाफ डीआरसीसी में अनिश्चितकालीन हड़ताल। बीते दिन यानी कि शनिवार से जिला निबंधन परामर्श केंद्र यानी कि डीआरसीसी कर्मी के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि इससे पहले कर्मियों के द्वारा कार्य बहिष्कार करते हुए 14 मार्च से 4 दिनों तक अपनी मांग को लेकर 38 जिलों में विरोध जताया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी गई है। कर्मियों का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। बता दें कि डीआरसीसी कर्मियों के द्वारा किए जा रहे इस हड़ताल से उन छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड योजना से मिलने वाली राशि के भरोसे कॉलेजों एडमिशन लिया था। ऐसे में अगर स्टूडेंट्स के द्वारा समय पर कॉलेज को फीस नहीं दी जाती है तो उनकी पढ़ाई छूट सकती है। रमजान पर मुस्लिम कर्मचारियों को दिए छूट पर संजय जायसवाल ने उठाया सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रमजान महीने में सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 घंटा पहले आने और 1 घंटा पहले जाने की छूट दी गई है। वहीं अब नीतीश कुमार के इस फैसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के PFI के एजेंडे को मदद पहुंचाने का काम कर रही है जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के अल्पसंख्यक समाज के जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें रमजान के महीने में 1 घंटा पहले ऑफिस आने की छूट मिलती है और 1 घंटा पहले जाने की भी छूट मिलती है। इस तरह के राज्य सरकार के द्वारा पारित आदेश को हमारे द्वारा विरोध किया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू का त्योहार रामनवमी भी आ रहा है, अब तो उसके लिए भी कार्यालय में अलग से छुट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेश में रह रहे बिहारवासियों की ऐसे होगी गन्ना। जाति आधारित गन्ना के दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से हो रही है जो कि 15 मई तक चलेगी। ऐसे में वैसे बिहारवासी जो विदेश में रहते हैं उनकी गन्ना के लिए कर्मियों के द्वारा वीडियो कॉलिंग की जाएगी और बात करके उसके आधार पर उनका सत्यापन किया जाएगा। बता दें कि इस कार्य को पूरा किया जा सके इसके लिए प्रत्येक प्रगणक और पर्यवेक्षक के एंड्रॉइड मोबाइल को रजिस्टर्ड कर लिया गया है और साथ ही इनके फोन में जाति आधारित गन्ना के लिए एक ऐप को डाउनलोड कर दिया गया है। मालूम हो कि प्रगणक अपने इसी फोन से बात करके विदेश में रहने वाले बिहारवासियों से जानकारी इकट्ठा करेंगे जिसके बाद इन सूचनाओं को फॉर्मेट में दर्ज किया जाएगा। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। बीते दिन लोजपा रामविलास अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य में 20 लाख रोजगार की बात कही थी लेकिन यह चुनावी घोषणा केवल घोषणा बनकर ही रह जाती है। आज के समय में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास रोजगार मांगने जाता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। अगर मुख्यमंत्री अपने कहे अनुसार राज्य में 20 लाख नौकरी दे दे तब खुशी होगी कि मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को सही करके दिखाया। उन्होंने कहा कि 20-30 साल के युवाओं को नहीं पता है कि जंगल राज कैसा था लेकिन आज की तारीख में जंगल राज से उनको काफी फर्क पड़ रहा है क्योंकि राज्य में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं वह ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे जंगल राज के दौरान हुआ करती थी। वाई प्लस और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा को लेकर ललन सिंह का बयान।
वाई प्लस और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा को लेकर बीते दिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा गया कि इन दिनों केंद्र सरकार के द्वारा वाई प्लस और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा रेवड़ी की तरह बांटी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका नतीजा यह निकल कर आ रहा है कि जिन्हें भी यह सुरक्षा श्रेणी दी जा रही है वे सभी फर्जी लोग हैं। केंद्र सरकार के द्वारा सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए लोगों को वाई प्लस और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किरण पटेल खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर जेड प्लस की सुरक्षा का लाभ लेते रहे, लेकिन इस बारे में केंद्रीय जांच एजेंसियों को भनक भी नहीं लगी। इससे यह पता चलता है कि जब केंद्र की मोदी सरकार ठग को जेड प्लस सुरक्षा दे रही है तो उसके बहाने वह बिहार में भी राजनीति कर रही है। ओवैसी ने सीएम नीतीश पर किया कटाक्ष। बीते दिन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने दो दिवसीय सीमांचल दौरे के दौरान पूर्णिया के बायसी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्हें बीजेपी को मजबूत करने का सूत्रधार बताया। उन्होंने कहा कि जब तारीख लिखी जाएगी उसमें नीतीश कुमार का नाम बीजेपी को मजबूत करने के लिए लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन जब बीजेपी को मजबूत करने वाले लोगों की बात आएगी तो उनका उसमें अहम योगदान होगा। इसके साथ ही उन्होंने सीमांचल के लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि मजबूत जनाधार देकर एआईएमआईएम के विधायकों को जिताया गया था, लेकिन दौलत देकर उन्हें खरीद लिया गया। इससे एआईएमआईएम कमजोर नहीं होगी, बल्कि यहां की जनता को उनके मंसूबे पता चले हैं। रतन टाटा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए हुए नियुक्त। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों को विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार और विशिष्ट सेवा के लिए भारत के शीर्ष उद्योगपति रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। दरअसल इस बात की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल द्वारा की गई है। बता दें कि 3800 करोड़ रुपए टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा की 2022 तक की कुल संपत्ति है। गवर्नर जनरल के कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के लिए उनके समर्थन मान्यता में वह ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी के रूप में नियुक्ति के साथ औपचारिक राष्ट्रीय मान्यता के योग्य हैं। ओडीआई सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेलने उतरेगी। यह मैच विशाखापट्टनम वाईएस राजा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम पहला वनडे जीतकर 1-0 से आगे है और अब दूसरा वनडे भी जीतकर सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इस मैच में टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा वापसी करेंगे। निजी कारणों से वो पहला वनडे नहीं खेले थे। उनकी जगह हार्दिक पांड्या ने टीम की कप्तानी की थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टीम पलटवार करने के इरादे से उतरेगी, या यूं कहें कि उनके लिए यह करो या मरो वाला मुकाबला होगा, क्योंकि इसमें हार के बाद वो वनडे सीरीज गवा देंगे। इसलिए दूसरे वनडे में एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। आजाद हिंद फौज ने 1944 में पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में मित्रता समझौते पर हस्ताक्षर किया। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। डोन कूपर रॉय ने 2008 में मेघालय के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सन 2013 में महाराष्ट्र में हुए बस दुर्घटना में लगभग 30 लोग मरे। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण भास्कर खड़े का 1884 में जन्म हुआ। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य कलाकार जगदीप का 1939 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का 1984 में जन्म हुआ। भारतीय शिक्षाविद इंदु साहनी का 1954 में जन्म हुआ। सन 1978 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एम ए अयंगार का निधन हुआ। सन 2011 में भारतीय फिल्म अभिनेता नवीन निश्चल का निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे हेलमेट चेकिंग के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हेलमेट चेकिंग के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक फर्जी मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सभी राज्यों में दो पहिया चालकों की हेलमेट चेकिंग को खारिज कर दिया गया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। व्हाट्सएप पर ओरिजिनल क्वालिटी में ऐसे शेयर करें फोटो। अगर आप भी फोटो शेयरिंग के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी फोटो की क्वालिटी को लेकर समस्या होती है। ऐसे में अगर आप भी ओरिजिनल क्वालिटी में फोटो शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप व्हाट्सएप को खोले और ऊपरी दाएं कोने में 3 डॉट मेनू बटन पर टैप करें। फिर सेटिंग्स विकल्प का चयन करें। इसके बाद स्टोरेज एंड डाटा ऑप्शन पर टैप करें। अब मीडिया अपलोड क्वालिटी सेक्शन के तहत फोटो अपलोड क्वालिटी पर टैप करें। फिर ऑटो बेस्ट क्वालिटी या डाटा सेवर में से अपनी मनचाही क्वालिटी चुनें। एक बार पुष्टि हो जाने पर ओके बटन दबा दें। फ्रेंड्स,
फेयर का उद्घाटन करने मुजफ्फरपुर पहुंचे उद्योग मंत्री। बीते दिन से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शहरी इलाके के जवाहरलाल रोड में स्थित उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के कैंपस में 3 दिवसीय नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर 2023 की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इस ट्रेड फेयर का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा मुजफ्फरपुर के मेयर एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से की गई। इस दौरान उद्योग मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को ऑनलाइन खरीदारी से बचना चाहिए और कोई भी सामान खरीदने से पहले खुद देख परख कर खरीदनी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली जा रही है जिसके चालू हो जाने से बिहार को ज्यादा फायदा होगा। हम सभी उद्योग मंत्री का यही सपना होता है कि अपना बिहार विकसित बिहार बने। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है एच के मल्होत्रा, श्वेता रॉय, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, अभिषेक राज, रोहित कुमार सिंह, नन्नू गोलू कुमार, कुश कुमार यादव, मृत्युंजय कुमार, आर्यन आर्या, कुमारी संजना, रामावती देवी, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, रवि शंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच जीतकर क्या भारतीय टीम सीरीज जीतने में कामयाब हो पाएगी? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।